नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के धारावी इलाके में रहने वाले 46 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद बुधवार शाम को मौत हो गई। जहां वो शख्स रहता था उस इमारत को अधिकारियों ने सील कर दिया है। घनी आबादी वाला ये धारावी एशिया में सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती के रूप में प्रसिद्ध है। मुंबई महानगर पालिका के एक स्वस्थ अधिकारी ने कहा कि स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी SRA योजना के तहत इमारत में रहने वाले व्यक्ति की विदेश यात्रा का कोई इतिहास नहीं था। अधिकारी ने बताया कि मृतक की धारावी में AK नगर में एक गारमेंट की शॉप भी है। इलाके के लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है। पास के सरकारी अस्पताल साइन अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद इमारत को पूरी तरह से सील कर दिया। इमारत के लगभग 300 घरों और लगभग 30 दुकानों पर पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद इमारत में रहने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है। और इसी बीच एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस को पथराव का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति की मौत के बारे में जानने के बाद इलाके में जमा भीड़ को तीतर बितर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों के एक समूह ने पुलिस कर्मियों के साथ बहस भी शुरू कर दी थी और उनमें से कुछ लोगों ने पत्थर भी फेंकना शुरू कर दिया था। फिलहाल तो इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। वहीं इस पथराव की एक और घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इंदौर में जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम और लोगों ने पथराव कर दिया। टीम तो किसी तरह से जान बचाकर भागी, लेकिन लोगों ने हाथ में पत्थर लिए काफी दूर तक उनका पीछा किया। इलाके में एक संक्रमित की मौत के बाद यहां लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ तहसीलदार और पुलिस कर्मी भी थे। स्वास्थ्य कर्मी जैसे ही गली में पहुंची और संदिग्ध के बारे में पूछताछ करने लगी, तभी कुछ लोगों ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य कर्मी की टीम गाड़ियों में सवार होकर फौरन ही पुलिस स्टेशन पहुंची। आप देखिए किस तरह से लोग पथराव कर रहे हैं। कोरोना के संकट में बचाने वाले डॉक्टर्स अभी असुरक्षित हो गए हैं। सुनिए डॉक्टर तृप्ति शर्मा ने क्या कहा है। हम लोग वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे। वहाँ पे हम लोग 3 दिन से मेरे डॉक्टर जाके जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव के कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए और हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। तो मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम दो टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे आशा कार्यकर्ता, साथ में तहसीलदार सर भी थे। वो अच्छा हुआ और पूरी स्पोर्ट्स भी थी, सो दैट्स वाई हम लोग बच के आ गए। अदरवाइज शुरू में अच्छे से हम लोग ने एक की स्क्रीनिंग की बता रहे थे, आंसर दे रहे थे, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, देख नहीं पाए, हम बहुत डर गए थे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।